इतिहास के कम उम्र तरीन बादशाह एपिसोड 5 6 दिसंबर 1421 यानी 1421 को हेनरी द सिक्स्थ पैदा हुआ। इस वक्त हेनरी द सिक्स्थ के बाप हेनरी द फिफ्थ की इंग्लैंड पर हुकूमत थी, मगर इसकी पैदाइश के सिर्फ 9 महीने बाद ही हेनरी द फिफ्थ की वफात हो गई। अब तख्त पर 9 महीने के हेनरी द सिक्स्थ को बिठाया गया। ये वाहिद बादशाह था जिसने फ्रांस और इंग्लैंड दोनों पर हुकूमत की, मगर हेनरी द सिक्स्थ एक कमजोर और नरम मिजाज बादशाह था, इसलिए इसके दौर में इसके दुश्मनों ने तबाही मचा दी। 1453 यानी 1453 को सबसे पहले हेनरी द सिक्स्थ के हाथ से फ्रांस निकल गया। कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हुई। 4 मार्च 1461 यानी 1461 को हेनरी द सिक्स्थ के तख्त पर एडवर्ड फोर्थ ने कब्जा कर लिया, मगर 4 साल बाद यानी 1470 को हुकूमत फिर हेनरी द सिक्स्थ के हाथ में आ गई, लेकिन एडवर्ड फोर्थ ने तख्त पर कब्जा कर लिया। इसे टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया। इसकी जिंदगी में इसका इकलौता बेटा मारा गया। हेनरी पागल हो गया। अपनी अकल, 2 सल्तनतें और इकलौता बेटा खोने के बाद हेनरी द सिक्स्थ 21 मई 1471 की रात टावर ऑफ लंदन में मर गया।